कई सालों पहले श्रीरंगपुर नाम का एक गांव था, जिसमें वासुदेव नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था और बेटे का नाम राजू। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया। वासुदेव की एक आंख ना होने की वजह से उसका चेहरा भयानक दिखता था। ये देखकर अन्य बच्चे राजू को अपने पास नहीं आने देते, इसलिए राजू में अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यहाँ मत खेलो, अगर तुम फिर से यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर बहुत दूर फेंक दूंगा, जाओ यहाँ से। क्या पापा, जब हमारे सभी दोस्त खेल रहे हैं तब आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं बेटा, तुम इस खेल को नहीं खेल सकते, ये खेल खतरनाक है, ये खेल खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इसको खेलने की इजाज़त नहीं है। अब चलो, मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, आओ और खा लो। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे अब भूख नहीं है। मैं क्या करूं माँ, पिताजी की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझे उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं, नफरत है मुझे उनसे। राजू, ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया, अब जाओ और खाना खाकर सो जाओ, चलो जाओ अंदर। जैसे राजू खाना खाकर सो गया, वासुदेव घर के अंदर आया और उसने गुल्लक में 1 रुपया डाला, रोज की तरह। अब तक कितने पैसे जमा हो गए? 100 रुपए तो हो गए होंगे ना? 100 नहीं, 200 तक होंगे। तो अब 800 रुपए और चाहिए, फिर उन पैसों से आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। तुम्हारी गिनती तो सही है, लेकिन मैं ये पैसा अपने लिए नहीं जमा कर रहा हूँ, ये हमारे बेटे के लिए है, उसे अच्छी तरह पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, फिर वो मेरी आँख का इलाज करेगा। क्या पता ये कब होगा, आपने आँख ना होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया, पहले अपनी आँखें ठीक करवाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा, तुम स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा, फिर करना सपने पूरे। एक आँख से दिखाई नहीं देता ना, ये हाथ और पैर तो हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा, जैसे चल रहा है चलने दो, अब मुझे कौन देखेगा। इस पैसे को हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। तुम्हारे चेहरे की वजह से हमारा बेटा तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से वो तुमसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। अभी वो बच्चा है, उसे क्या पता, कल जब हम बड़े होंगे तब वो हमें उतना ही प्यार देगा और हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो गई है, सो जाओ, चलो चलो। फिर दूसरे दिन की सुबह, राजू ये लो तुम्हारा नाश्ते का डिब्बा और जाओ, और सुनो अकेले मत जाना, पापा ने कहा है वो तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे, वो आ रहे हैं, रुको। अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो बिना नाश्ते का डिब्बा लिए ही जल्दी में स्कूल चला जाता है। ओहो, मेरे याद दिलाने के बाद भी वो नाश्ता यहीं भूल कर चला गया, ये रहा आपके बेटे का डिब्बा, ये लो और जाकर उसे देकर आओ। मेरा उसके स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, तुम जाकर क्यों नहीं दे आती, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे घर पर बहुत काम है, स्कूल रास्ते में ही तो है, तुम जाकर दे दो ना, अगर वो कुछ कहे तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगी। वासुदेव डिब्बा लेकर राजू को देने उसके स्कूल जाते हैं। सुनो भाई, मेरे बेटे को बाहर बुला सकते हो, वो आज नाश्ता घर पर भूलकर स्कूल आ गया है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं उसे बुलाता हूँ। वो आदमी राजू को बुलाकर बाहर लाता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे स्कूल के पास मत आओ, अगर मेरे दोस्तों को पता चला मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, मैं भूखा रहूँ वो चलेगा, पर आप मेरा खाना मत लेकर आना, समझे। ठीक है बेटा, आज आखिरी बार टिफिन ले लो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। राजू वासुदेव से नाश्ते का डिब्बा छीन कर अंदर चला जाता है। उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था, फिर भी मैं यहाँ आ गया, मेरी वजह से वो कितना दुखी है, अब मैं इसका क्या करूँगा। वासुदेव वहाँ से चला जाता है। कुछ साल बाद, अरे वासुदेव, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? हाँ सर, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो कहाँ रहता है, कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में रहता है? नहीं, वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है, हॉस्टल में आराम नहीं मिल रही थी इसलिए वो अलग किराए के मकान में रह रहा है। अगर वो हॉस्टल में रहता तो काफी पैसे बच जाते, अलग रहने पर खर्च बहुत होते हैं, तुम्हारी सारी कमाई उसी के खर्चे में चली जाती होगी। मैं क्या करूं सर, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना, हम जो कुछ भी करते हैं उसके भविष्य के लिए ही तो करते हैं। तो ठीक है, पर तुम्हारी यहाँ कमाई ज्यादा नहीं होगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे शहर में आ जाओ, वहीं रहो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था भी कर दूंगा, तुम वहाँ अच्छे पैसे कमा सकते हो,
बाकी तुम्हारी मर्जी। इस बारे में मैं अपनी बीवी से बात करूंगा सेठ जी। वासुदेव अपनी पत्नी को सेठ जी से हुई बात के बारे में बताते हैं। ठीक है, हम जाएंगे। एक रुपया भी ज्यादा मिल जाए तो हमारा ही फायदा है। उन्होंने कहा कि रहने की जगह भी देंगे और हमारा बेटा भी तो शहर में ही है। मैंने सोचा था शायद तुम जाने से मना करोगी। अगर तुम हाँ कहती हो तो चलो शहर चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सोमचंद सेठ को बता देता हूँ कि हम दो दिन में आ रहे हैं। वे दोनों शहर जाकर सोमचंद सेठ के पास काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद, हम यहाँ अच्छी जगह में रहते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है। क्या पता उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वो बाहर का खाना खाएगा बीमार हो गया तो। हाँ, क्या पता वो वक्त पर खाता भी होगा या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे अपने साथ रहने के लिए बुला लें तो। वो यहाँ रहने लगेगा तो हमारे काफी पैसों की बचत भी हो जाएगी। कल सुबह ही चले जाना, उससे कहना कि अब वो हमारे साथ यहीं आकर रह ले। अगले दिन वासुदेव राजू को घर ले आने के लिए जाता है। भाई साहब, मेरा बेटा राजू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले चार दोस्तों के साथ यहाँ रहता है। मुझे यहीं का पता दिया है, अगर वो अंदर है तो आप उसे बुला सकते हैं। राजू का तो पता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के चार लड़के यहीं रहते हैं। वो ऊपर वाले घर में, आप यहीं रहो, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। उसने ऊपर जाकर राजू से कहा कि उसके पिता आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप जानते हैं ना, मुझे आपका इस तरह आना पसंद नहीं। मुझे पसंद ना होने के बावजूद आप मेरा पीछा करते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, मुझे सोमचंद सेठ के पास नौकरी मिल गई। हमें आए दो दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ और मैं अब यहीं रहते हैं। सेठ जी ने हमें बड़ा घर भी दिया है, तुम अब हमारे साथ रह सकते हो। मैं यही बताने के लिए आया था, जानता था तुझे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। अच्छा, मुझे घर का पता दे दो, मैं अभी नहीं आ सकता पर रविवार को आऊँगा। अभी आप जाओ यहाँ से। वासुदेव उसे घर का पता बताकर वहाँ से चला जाता है। अरे राज, अभी तुमसे मिलने कौन आया था? तुम्हारे पापा हैं क्या? अरे नहीं यार, वो हमारा नौकर था। मेरे पापा ने संदेश भेजा था, वही बताने आया था। मुझे लगा कि वो तुम्हारा नौकर ही होगा। उसकी आँखें कितनी डरावनी थी। हाँ, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। क्या राज, क्यों झूठ बोल रहे हो? चौकीदार ने हमें बताया कि वो तुम्हारे पापा हैं और तुम उसे नौकर बता रहे हो। झूठ बोलने की वजह क्या है? तुम्हें उसने बताया? अरे यार, वो कितना होशियार है, सबकी खबर रखता है। मैं क्या करूं? मेरे पिता की आंख डरावनी है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पता चले कि वो मेरे पिता हैं। लानत है तुम पर, वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उन्हें अपना पिता मानने से इनकार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही खर्च और फीस के पैसे तुम उन्हीं से मांगते हो। छी, समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूँ। मैंने तुम्हें अब तक कितना सम्मान दिया ये सोचकर कि तुम अच्छे हो, पर आज से हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम दूर रहो, ये मेरा निजी मामला है। दो दिन बीतने के बाद राजू माता पिता से मिलने के लिए उस पते पर पहुंचता है। जाते ही चिल्लाता है, कहा था ना मैंने मेरा पीछा मत करना, पर तुम मेरी बात मत सुनो। आपकी वजह से मैंने एक बार अपना दोस्त खो दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारा बाप अंधा है। मेरे पास फिर कभी मत आना। राजू, पागल हो गए हो क्या? अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हम दोनों को हर दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है और तुम होगी वो फिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें लेने के लिए भेजा था। हाँ तो आ गया मैं, देख लिया ना मुझे, ठीक हूँ ना? मैं जा रहा हूँ, पापा को कभी मत भेजना। कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो हमें और खर्च करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो, हमें कितनी मुश्किल होती होगी। और तुम हो कि बिना कुछ सोचे समझे बोलते ही जा रहे हो। जरा तो लिहाज करो हमारी परेशानी का और दुनिया का भी। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता माँ, मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है। मेरे लिए यहाँ से रोज जाना मुश्किल होगा। अभी एक साल और है, फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं हर रविवार को आ सकता हूँ। वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता और वहाँ से चला जाता है। एक साल बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है और बम्बई में अच्छी नौकरी पाकर वहाँ चला जाता है। मेरी बात सुनो, हमारे राजू की नौकरी को 5 साल हो गए, वो चिट्ठी नहीं लिख रहा और यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वो कहाँ कैसा हो, क्या खा रहा होगा, कुछ नहीं पता। हम जाना चाहे भी तो कैसे, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है। बस वो अगर ठीक है तो हमारे लिए यही काफी है, शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। मैं सोच रहा हूँ अगर हम में से कोई बीमार हो गया तो उसे खबर मिलेगी भी या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब्र रखिए, वो जरूर लौट आएगा, मुझे यकीन है। तो एक दिन जब वासुदेव काम से घर लौट रहा था, राजू का दोस्त सुरेश उससे मिला।
क्या आप हमारे राज के पिता हैं? हाँ। क्या आप हमारे बेटे राजू को जानते हैं? हम दोनों साथ में पढ़ते थे और बाकी दो दोस्त के साथ एक ही घर में रहते थे। एक दिन जब आप वहाँ आए थे मैंने आपको देखा था। अब कैसा है राज? पता नहीं बेटा, हमें मिले हुए पूरे 5 साल हो गए। वो ये कहकर बम्बई निकल गया कि उसे नौकरी मिल गई है। उसके बाद वो फिर नहीं आया, एक भी खत नहीं लिखा उसने। क्या? उसे तो बम्बई से आए पूरे 3 साल हो चुके हैं। उसकी तो शादी भी हो गई और एक 3 साल का बच्चा है। अब वो इसी शहर में रहता है, क्या आप नहीं जानते? वो यहाँ वापस आ गया, शादी भी कर ली, ये सब बेटा हमें नहीं पता। तो उसने आपको कुछ नहीं बताया? मतलब वो अभी भी नहीं बदला? आइए मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। सुरेश वासुदेव को राजू का घर दिखाता है और चला जाता है। वासुदेव दुखी होकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी शारदा को बताता है। वो इसी शहर में रहता है और हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता, और हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किन हालात में होगा, लेकिन उसे हमारी बिल्कुल चिंता नहीं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत में क्या हुआ? जाओ और हमारी बहू को घर ले आओ। तुमने कहा उसकी एक बेटी भी है ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम उसके घर जाओगे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं किस मुंह से जाऊँ और कैसे बात करूँ? अगर वो पूछेगा कि मैं फिर क्यों आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी बात सुनो, इस बार मेरी जगह तुम जाओ, तब पता चलेगा क्या माजरा है। तब वो छोटा था, तब उसे पूरी समझ भी नहीं थी। अब वो बड़ा हो गया है और बाप भी बन गया है, अब तो वो बदल गया होगा। आप मेरी बात मानो और जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। मेरी बात मानो, अब जाओ ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर अगर इस बार मेरा वहाँ अपमान हुआ तो मैं फिर कभी नहीं जाऊँगा। अपनी पत्नी से लड़ने में असमर्थ वासुदेव राजू के घर जाता है। राजू की बेटी वासुदेव को देखकर डर के मारे रोने लगती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? वो देखो राक्षस, उसे देखकर मुझे डर लगता है। उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। जाओ राक्षस, भाग जाओ। डरो मत बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं राक्षस को भगाता हूँ, अभी भगाता हूँ। बेटी को घर के अंदर भेजने के बाद राजू पिता वासुदेव के पास आता है। कैसे हो राजू बेटा, कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। अजीब बात है, तुम्हें अब भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? देखो मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर कितना डर गई। कितनी बार तुमसे कहा है यहाँ मत आना, पर तुम नहीं समझते। माँ से कहो मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा, अब चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। वासुदेव अपमानित होकर घर लौटा और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने अपनी पत्नी को बताया। मेरे इनकार को नजरअंदाज करके तुमने मुझे वहाँ भेजा, अब देखो मेरी वजह से वो फिर नाराज हो गया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम चली जाओ। तुम्हारे इतने अपमान के बाद मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। अगर वो आना चाहता है तो वो आएगा, वरना कोई बात नहीं, अब से हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद राजू अपने दोस्त सुरेश के घर उससे मिलने जाता है। अरे राजू कैसा है, बहुत दिन हो गए, तू आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं, काफी वक्त हो गया तुझसे मिले हुए, तो सोचा आज तुझसे मिलने आ जाऊँ। तू कैसा है? अच्छा हुआ जो तुम उससे मिलने के लिए चला आया। तू अपने माँ पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझे देखना चाहते थे, मैंने उन्हें दूर से तेरा घर दिखा दिया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। तू उनसे मिला भी या नहीं? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, मुझे बचपन से अपने पिता पसंद नहीं है। इसका मतलब तू अभी तक नहीं बदला, और मुझे नहीं लगता कि तू बदलना भी चाहता है। तेरे पिता की आंख की कमी उनकी गलती तो नहीं? तूने उनके पैसों से पढ़ाई की, इतनी तरक्की की, ये सब उन्हीं की तो मेहरबानी है। मुझे बहुत खलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है। तेरे माँ बाप है लेकिन तुझे उनकी कदर नहीं। इस बुढ़ापे में उन्हें तेरी जरूरत है। अगर तू मेरा दोस्त बनकर रहना चाहता है तो पहले अपने माता पिता से मिल ले, फिर मुझसे मिलना, वरना अपनी मुझे शक्ल भी मत दिखाना। जा अब चला जा यहाँ से। तू अपने दोस्त की बात सुनकर राजू का होश ठिकाने आ गया, वो माँ पिताजी के घर आया। माँ कैसी हो? माँ मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम अकेले क्यों आए? उनको साथ क्यों नहीं ले आए? मैं उन्हें देख तो लेती। उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आओ। पिताजी से कहो कि अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। पिताजी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वो अभी तक काम से नहीं आए?
तुम्हारे पिता अब वहाँ हैं। तुम्हारे पास से आने के एक हफ्ते के अंदर ही वो गुजर गए। मेरे पास ना तुम्हारे घर का पता था, ना तुम्हारे किसी दोस्त का। उनकी सारी विधि भी खुद मुझे करनी पड़ी। मैं क्या करती, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब तक वो जिंदा थे मैं उनसे नफरत करता था, जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ वो नहीं रहे। तुम उनसे इतनी नफरत करते थे उसकी वजह ये थी ना कि उनकी एक आँख नहीं थी। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। कौन सा सच माँ, क्या हुआ था पिताजी की आँख को? मुझे लगता था वो जन्म से ऐसे हैं। नहीं, एक दिन सभी बच्चे हमारे घर के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जब उनमें से एक ने मारा तो वो गिल्ली आकर तुम्हारी आँख में लगी और तुम्हारी आँख चली गयी। तब तुम 3 साल के थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आँख हमेशा के लिए चली गई है। अगर कोई आँख का दान करता है तो वो उस आँख को बदल सकता है। तुम्हारे पिता ने बिना कुछ सोचे हुए अपनी 2 आँखों में से एक तुम्हें दे दी। मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था, पर अब मुझसे रहा नहीं गया। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ जो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो अपनी माँ को घर ले जाता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल जीत लिया है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया अधिक अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरी बुक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें।